Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of case study of mathematics. Real numbers, जो आपका number system के बाद real numbers 10th class का chapter है, उसकी case study number 2. Case study number 1 YouTube पर आपको मिल जाएगी. पहले case study 1 करो, फिर case study 2. Case study कुछ नहीं है, ये उन लोगों के सवाल का जवाब है जो लोग ये पूछते थे maths real life में कहाँ काम आता है. तो अब case study से हम ये prove कर सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर maths काम नहीं आता. तो प्लीज माता रानी का नाम लो. इसको करने की एक ही टिप है कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, रीड केयरफुली, मेक नोट्स, मेक नोट्स. जो टॉपिक दे रखा ना, इसमें क्या बोला है, इसमें लिखो ना बाबा कि टॉपिक में क्या लिखा हुआ है. जैसे कि, और मुझे 90 सेकंड्स के लिए पॉज कर दो, 90 सेकंड्स के लिए पॉज कर दो, ताकि खुद से केस स्टडी को सॉल्व कर पाओ. वो कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. सिंपल सी बात है. अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है जी. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी, मैं नोट्स बना रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. अलग अलग पार्टिसिपेंट्स अलग अलग नंबर में आए हैं. हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, अंग्रेजी के 84 आए हैं और मैथमेटिक्स के 108 आए हैं. यही नोट्स मेरे को मिला है. बस 60 लोग आए हैं, 84 लोग आए हैं और 108 लोग आए हैं. जय माता दी. अब क्या कहता है वो, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड. उन्होंने ना रूम्स बनाए हैं, रूम्स के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ये नहीं एक रूम में 20 बैठ जाएंगे, एक रूम में 30 बैठ जाएंगे, एक रूम में 40 बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है. वो कह रहे हैं हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बिठाना है. एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम ऑफ बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट. कि अगर एक रूम में हिंदी वाले बैठे हैं तो सारे हिंदी वाले बैठेंगे जितने भी हैं. अगर अगले वाले में इंग्लिश वाले बैठे हैं तो उतने ही बंदे बैठेंगे और सारे इंग्लिश वाले बैठेंगे. सो हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम. अब बात समझना, एक में 60 है पार्टिसिपेंट्स, एक में 84 है और एक में 108 है. एक रूम में मैक्सिमम कितने बैठा सकते हैं? अगर खुजली करके दिमाग में ऐसे ऐसे करोगे तो कभी भी नहीं होगा ना. 60 बैठा सकते हो एक रूम में. अगर एक रूम में 60 बैठाने लग गए तो दूसरे रूम में 60, इसके तो 60 आ जाएंगे, इसके 24 बचेंगे. हमें आंसर ऐसा देना है कि हर रूम में इक्वल हो जाए, किसी भी रूम में कोई भी सीट खाली ना हो और हर रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर्स हो. तो क्या करें बच्चा इस केस में? बोलेगा सर आप HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 निकालो. जैसे निकालना है वैसे निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो मैंने पहले इन दोनों को पकड़ा. 108 को मैं लिख सकता हूं क्या, 84 इंटू 1. ओरली करने का कोई फायदा नहीं. मैंने 108 को 84 से करा, सबसे बड़े को उससे छोटे से करा. 1 जा 84, यहां पर आया मेरे बच्चों 4, 10 में से 8 गया प्लस 24. अब अगर क्लास 7 है तो 84 और 24, 84 को मैं करूंगा 24 से, तो 24 3 जा होता है. 84 को मैं करूंगा 24 से तो 24 3 जा 72 होता है, तो बचेगा 12 को प्लस 12 हो गया. अभी भी कुछ बच रहा है तो क्लास बोलेगी 24 को आप लिख दोगे 12 से डिवाइड करोगे इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यहां पे आया 0 तो मेरा हीरो जो है वो 12 है. बट अभी उत्साहित मत हो जाना, आराम से. HCF ऑफ 84 एंड 108 इज 12, मगर अभी हमें HCF निकालना है तीनों का. तो अब मैं क्या करूंगा, 12 और 60 में से बड़ा कौन सा है, 60. तो 60 को करा 12 से डिवाइड, 60 को करा 12 से डिवाइड, 12 5 जा 60 प्लस रिमाइंडर आ गया 0, 12 इंटू 5 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0 तो 12 ही है मेरा हीरो. तो 12 वो नंबर है, 12 12 के हिसाब से 5 कमरों में ये आएंगे, 12 12 के हिसाब से 7 कमरों में ये आएंगे, 12 12 के हिसाब से 9 कमरों में आएंगे. 12 नीम 108, 12 9 जा 108. अगर मैं समझा पाया हूं तो हर रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे, 12. पहले समझ लो, कहीं दिक्कत हो रिवाइंड करो. ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ताकि समझने में और समझाने में दिक्कत ना हो.
ये करने के बाद हम आगे चलते हैं, आराम से मुझे पॉज करो, आराम से पॉज करा। वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इस इवेंट को करने के लिए। हर कमरे में 12 लोग हमने बिठा दिए, अब कम से कम कितने नंबर रूम चाहिए? 60 लोग थे, 84 लोग थे, 108 लोग थे, 60 आ गए थे, 12 इंटू 5 रूम, फिर 84 आ गए थे, 12 इंटू 7 रूम, 108 आ गए थे, 12 इंटू 9 रूम। ये तो HCF है, ये रूम्स हैं। अगर मैं देखूं तो उन्होंने बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, 5 प्लस 7 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 इज 21। सो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज 21। उसके बाद आप चाहो तो एक आधा रूम खाली छोड़ो, जो मर्जी करो, मगर 21 कमरे तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा बेटा एक बात याद रख लेना, सब कुछ जब तक जिंदा हो एनर्जी लो मत होने देना, जब तक सांसें चल रही है ना योर एनर्जी शुड बी हाई। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। तुम्हें ये लग रहा है जिंदगी आगे आसान हो जाएगी? नहीं, जिंदगी आगे मुश्किल हो जाएगी। उन मुश्किलों से लड़ने के लिए ये जो पढ़ रहे हो ये वो स्किल्स हैं जो उन लड़ाइयों से उन चीजों से लड़ने में मदद करेंगी। बस ये, मैं नहीं कहता पढ़ लिख लो जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं, जिंदगी भी मुश्किल होगी, तुम भी मुश्किल होगे। जिंदगी और तुम्हारी जंग चलेगी जिसे तुम्हें जीतना है। जब जब जीत रहे हो तब तक तुम जिंदा हो, जहां वो जिंदगी तुम पे भारी हो गई वहां दिक्कत हो जाती है। भाषण नहीं है, टेक इट वेरी सीरियसली। इसी का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बोलता है द LCM ऑफ, वो कह रहा है 60 का, 80 का और 108 का LCM निकालो। मेरी एक बहुत बीमारी है ये, मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं लिख पाता, ये मेरी बीमारी है, इसका LCM निकालना है। 60 के फैक्टर्स अगर किसी को बनाने में दिक्कत हो, 230 जा, 215 जा, 35 जा, क्लास बोलेगी 2 आ रहा है दो बारी, तो 2 का स्क्वायर इनटू अगर 7 हो तो 3 की पावर 1 इनटू 5 की पावर 1, 84 के फैक्टर्स बनाओ। मुझे पॉज करो और 84 के फैक्टर्स बनाओ। मैं डायरेक्टली बना सकता हूं बट मैं डायरेक्टली नहीं बना रहा। 84 के फैक्टर्स बनाओ, 2 के टेबल में 42 जा, 2 के टेबल में 21 जा, 3 के टेबल में 7 जा, तो क्लास बोलेगी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू थोड़ा दूर लिख के 7 लिख दो। अगला 108 के फैक्टर्स बनाओ, 108 के फैक्टर्स बनाओ, अगर क्लास 7 है तो 108 को करोगे 2 से तो 54, 2 से करोगे तो 27, 27 अपना दोस्त है, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो क्लास बोलेगी दो बार आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 तीन बार आ रहा है, 3 का क्यूब आ रहा है। सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टर्स करे, अब मुझे निकालना है LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। ये इस टाइप का हमने करा हुआ है। LCM में मैक्सिमम पावर लेते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो जो 2 की पावर होगी LCM में वो हो जाएगी 2 की पावर 2, दिस इज LCM। 3 की देखो मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, क्लास बोलेगी 3 की आ रही है सर, 3 की पावर 3 इंटू 5 का देखो, 5 का सिर्फ एक आ रहा है 1 5, इंटू 7 का देखो तो आ रहा है सिर्फ 1 7। माता रानी का नाम लो, 4 इंटू 27 इंटू 5 7 जा 35। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो। मैंने कैलकुलेटर की मदद ली है, मैंने कैलकुलेटर यूज करा है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3780 आएगा। बट आप कृपया करके कैलकुलेटर का प्रयोग मत कीजिएगा। दिस इज योर केस स्टडी का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, अब देखो उनके पास क्वेश्चन ही नहीं बचे, ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। तो HCF जो था वो हमारा, अगर मुझे याद है तो इसका HCF जो आया था मेरे प्यारे बच्चों, इसका HCF आया था 12, अगर आप साथ हो, HCF आया था 12। LCM हमने अभी जस्ट निकाला है 3780, क्लास बोलेगी 3780, दोनों का प्रोडक्ट मांगा है, तो HCF इंटू LCM ऑफ 60, 84 और 108 इज इक्वल्स टू
HCF into LCM 3780. गलती हो सकती है, बंदा दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ना कर दे, बंदा आपस में दोनों को मल्टीप्लाई ना कर दे, तो योर आंसर इज 45360. दिस इज योर आंसर, और कुछ है ही नहीं ना करने को, ध्यान देना बिल्कुल आराम से. अब अगला, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. अब हम ये कर चुके हैं, 108 का प्राइम फैक्टर्स हम बना चुके हैं. अगर आप मेरे साथ हो तो 108 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे, ये आपके सामने ये रहे, 2 के टेबल में 54 के टेबल में, तो प्राइम फैक्टर्स जो 108 के हैं मेरे बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब. अवेयर रहना, अवेयर चल क्या रहा है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब. अब आप खुद देख सकते हो, इतनी सारी बातें करने के बाद भी 10 मिनट के आसपास हमारी केस स्टडी खत्म हो गई. सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लॉग ऑन टू jupiterflix.com, वहां पर बहुत कुछ है तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए, तो बहुत कुछ है एट वेरी वेरी लो प्राइस. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो.